And welcome back to Academy. CLAT, I am and आज की वीडियो में हम जानेंगे आपको क्यों एक mock test देना चाहिए? क्या अगर आप mock test नहीं दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है क्या आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए बिकॉज मॉक टेस्ट आर मस्ट डू थिंग राइट right? तो मॉक टेस्ट की क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी क्या अवेलेबल ऑन ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे सो मेक श्योर टू वॉच वीडियो टिल एंड चलिए तो सबसे पहली चीज सबसे बेसिक चीज क्या है कि एक मॉक टेस्ट पहले समझते होता क्या है मॉक टेस्ट क्या होता है एकदम वैसा ही पूरा पेपर होता है जैसा आपका एग्जाम डे पे आएगा राइट इट इज अ रेप्लिका जैसे सैम्पल पेपर बोलते हैं हम हम बोर्ड एग्जाम्स में वैसे ही मॉक टेस्ट होता है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए राइट right? पूरा सेम पेपर पैटर्न में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं राइट सो दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न कि किस तरीके का पेपर आएगा क्योंकि हम क्या करते हैं ऑनलाइन देखते हैं तैयारी शुरू कर देते हैं बट हमें एक्चुअल में समझ नहीं आता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे राइट right? कैसा पेपर पैटर्न है कितने हमारे सेक्शंस हैं वो जब तक हम उसको ना करें तब तक हमें एक्चुअल में हैंग ऑफ इट नहीं आती है राइट दैट पेपर हमारा एक्चुअल में ऐसा आएगा राइट चलिए सो इसी से कनेक्टेड जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट टेस्ट गिव्स यू इन विच योर एग्जाम विल भी हेल्प एक होता है हम क्या कर रहे हैं साइड में ओपन बुक है राइट यहाँ आगे वीडियो लेक्चर चल रहा है साथ में हम पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मजे में दैट इज नॉट समथिंग जो आप अपने एग्जाम में करेंगे तो मॉक टेस्ट में आपको एक एक्ट एक्चुअल वो सेम इन्वायरमेंट मिलता है आपको कोई रिसोर्सेज नहीं होते आपके पास आपको एक चांस मिलती है जहाँ पे आप एक्चुअल में आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे आपके मेन एग्जाम में करेगा राइट right? तो क्या होता है एक्चुअल इन्वायरमेंट मिलता है एक एक्चुअल फील आपको पता चलती है अच्छा पेपर ऐसे होगा अब मैं यहाँ जो गलती कर रहा हूँ मुझे मेन पेपर में नहीं करनी है राइट right? तो आपका ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसा वो मेन एग्जाम में करेगा क्योंकि आपको सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है राइट right? आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है चीटिंग के लिए राइट right? सो so, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बिकॉज़ क्या होता है उस सिचुएशन के अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं राइट right? दिमाग चलना बंद हो जाता है नंब पड़ जाते हैं इतना ज़्यादा हम पैनिक हो जाते हैं राइट right? अगर दो दिन क्वेश्चन नहीं आए पैनिक स्टेट में चले गए तो ये स्ट्रेस को हैंडल करना इन दैट सिचुएशन ये हमें मॉक टेस्ट सिखाते हैं आगे चलते हैं अच्छा जी टेस्ट की सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो क्या है टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है सोचो आपने बहुत अच्छी तैयारी करी और आप सीधा जाके क्लैट एग्जाम देने पहुंच जाते हैं क्लैट 2024 आप हॉल में बैठते हैं और क्या होता है आपने देखा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे राइट लेकिन आप फिर भी उसी पे अटके हुए बार बार उसी में आंसर ढूंढ रहे हैं आप आगे मूव ही नहीं कर रहे हैं तो आपका आधा टाइम एक ही सेक्शन में वेस्ट हो गया है राइट तो ये ना करें जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं उससे मूव ऑन करें जब एक दो मिनट तीन मिनट से ज्यादा लग रहा है राइट यू आर अनएबल टू फाइंड द क्वेश्चन और सॉल्व द क्वेश्चन तो इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड तो ये हम कब सीखेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे और टाइम मैनेजमेंट खुद ही नेचुरली हमारे उस ब्रेन के मैकेनिज्म में आ जाएगा अंडर दैट एग्जाम एनवायरनमेंट राइट सो टाइम मैनेजमेंट में कब कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है और कब कौन से क्वेश्चन पे अटके रहना है ये प्रैक्टिस क्टिस से आपको पता चलेगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सो टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आता हो और तब पेपर छूट जाए उससे बड़ा दुख किसी को कभी नहीं होता राइट तो हमें इधर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है इसी के चक्कर में जो नया पैटर्न है उसमें वन से वन ट्वेंटी क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए तीस क्वेश्चन हटा दिए गए हैं हाव जो सेक्शन है वो पांच ही रहेंगे राइट सो so, टैक्टफुली आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर वो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने से ही पता चलेगा अच्छा जी अब मॉक टेस्ट तो आपने दे दिया राइट अब मेन चीज क्या है सिर्फ मॉक टेस्ट देने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा मॉक टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा राइट right, आपको देखना पड़ेगा कि मैंने क्या गलत किया क्या सही किया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों क्योंकि हमें इंप्रूवमेंट में मदद करेगा अगर मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया और मैंने उसे देखा भी नहीं बस मार्क्स देख लिए ठीक है नॉर्मल आए हैं मीडियम नॉर्मल आए हैं बुरे आए हैं ठीक है आई डोंट गिव अ शिट राइट तो क्या होगा जीरो इट इज नेग्लेजिबल कि आपने मॉक टेस्ट दिया है मॉक टेस्ट के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे भी आप अपने मेन एग्जाम में इंप्रूव कर पाएंगे राइट right? अभी एनालिसिस करना कैसे है देखिए हाउ टू एनालाइज दो टाइप्स के मॉक टेस्ट आप देंगे एक तो होता है ऑनलाइन आप घर पे ही बैठ के आपको ऑनलाइन पूरा मॉक टेस्ट टाइम बाउंड पेपर मिल जाएगा एंड विदाउट एनी रिसोर्सेज आप बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ वो पेपर uh, देंगे उसमें क्या होता है एक पूरा कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस खुद ही आ जाता है राइट right? कैसे कि आपने इस सेक्शन में इतनी परसेंट एक्यूरेसी है राइट और आपको आंसर की भी मिल जाती है आप टैली कर सकते हैं प्रॉपर इसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ती है ऑफलाइन वाला मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको खुद से होमवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा होमवर्क का मतलब क्या है खुद ज़्यादा देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं कौन से सेक्शन में लैग बिहाइंड हाँ कर रहा हूं मैंने टाइम ज़्यादा दिया लेकिन एक्यूरेसी कम है क्वेश्चन कम सही हुए हैं तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पहचानेंगे मॉक टेस्ट देके तब तक कोई भी इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहेगा राइट तो जब आप एक मॉक टेस्ट देंगे आप एक लिस्ट बना लेंगे कि मेरे दो से तीन मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे जो बेस्ट स्कोर आ रहा है वो इन सेक्शन में आ रहा है और जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो ये वाले सेक्शन है और कैसे टाइप में इंप्रूवमेंट की जरूरत है उस पर आप काम करेंगे क्लियर है राइट सो टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन मॉक टेस्ट जैसे मैंने प्रॉमिस किया था अनअकेडमी लाया है एक बहुत वाइड रेंज ऑफ मॉक टेस्ट फॉर ऑल द क्लैक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एस्पिरंस चलिए देखते हैं हाउ टू एक्सेस दीज मॉक टेस्ट आपको सिंपली अन अकेडमी डॉट कॉम पे जाना है उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लैट कैटेगरी एंड फिर अन अकेडमी स्टोर पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पैक ऑफ थर्टी फाइव जिसमें आपको थर्टी फाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर रुपीज फोर्टी टू हंड्रेड ओनली बाई टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है और फिर मेरा रेफरल कोड पूर्वा टू जीरो टू टू लगा देना है सो एज डिस्क आपको रॉन्ग क्वेश्चन को रिसोल्व करना है हम क्या करते हैं देख लेते हैं अच्छा इसका करेक्ट आंसर ये है लेकिन अगर तरीका गलत है आपका आंसर निकालने का फॉर एग्जाम्पल इन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड राइट सो यू शुड ट्राई रिसोल्विंग द रोंग क्वेश्चन क्योंकि अगर वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो वापस से आपको रिग्रेट ना हो यार हाँ मैंने मॉक टेस्ट में किया था लेकिन ड्यू टू माई आई वुड से आलस राइट ड्यू टू माई लेजीनेस मैंने उसको इम्प्रूव अपऑन नहीं किया एंड दैट इज वाई यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया सो डेफिनेटली मॉक मॉकटेस्ट इज ज्यादा टेस्ट एनालिसिस और रिसोल्विंग इंपॉर्टेंट है अन अकेडमी ब्रिंग्स टू यू 25 फाइव परसेंट ऑफ ऑन ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लस टेन परसेंट प्राइज ऑफ ड्रॉप ऑन ऑल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करें अगर आप सिक्स मंथस का सब्सक्रिप्शन um, लेंगे इट विल कॉस्ट यू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको दिख रही है दिस इज फॉर प्लस एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक यू कैन यूज द कोड पूर्वा पी डबल ओ आर वी ए 2022 पूर्वा 2022, राइट ये है थर्टी जून तक ऑफर वैलिड है सो मेक श्योर आप इसका पूरा फायदा उठाएं। कैसे बताया 25 प्लस टेन परसेंट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा सो सेव अप थर्टी थ्री परसेंट ऑन ऑल अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइजेस फॉर सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड एटीन मंथ रिस्पेक्टिवली आप मेरा कोड पूर्वा टू जीरो टू टू यूज कर सकते हैं फॉर अवेलिंग दिस डिस्काउंट आगे चलते हैं ऑल इंडिया क्लैक फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट हो रहा है जुलाई सेकेंड को टू पी एम इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट जिनको अपनी प्रेपरेशन uh, को एनालाइज करना है और साथ ही साथ मौका पाना है टू विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज वन पॉइंट टू फाइव करोड़ डेफिनेटली एनरोल टूडे सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अब जैसे कि हमने मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया तो आपको ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट 30 फुल लेंथ प्रॉपर जैसा पेपर आएगा क्लैट का वो मिलेंगे एंड फाइव लेंथ एलेट मॉक टेस्ट्स भी मिलेंगे राइट एक्सक्लूसिवली टू हंड्रेड फॉर थर्टी फाइव मॉक टेस्ट विच इज वेरी 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 डीसेंट आगे चलते हैं एज दिस कास्ट क्लैट अश्योर का मतलब है कि अन अकेडमी कहता है जब तक आप एन एल यू में नहीं पहुंच जाते जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुँचाते तो हम आपके साथ बने रहेंगे यानी कि इफ़ यू कूड क्रैक एन एन एल यू अगर आप क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर क्रैक ना कर पाए तो आपको नेक्स्ट वन ईयर की जो एक्सटेंशन uh, है सब्सक्रिप्शन की वो फ्री मिलेगी आपका वन ईयर एक्सटेंड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन पे एंड आप वापस से तैयारी कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो अवेल क्लैट प्रिंटेड मॉक टेस्ट टेन सेक्शनल मॉर्स होंगे यानी कि सेक्शन वाइज होंगे और टेन फुल लेंथ मॉर्स होंगे राइट डिलीवर्ड राइट टू योर डोर स्टेप ये सब कुछ जो हमारे मॉक्स हैं ये प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में तो फ्री ही है राइट right? सारी ही डिटेल्स आपको लिंक्स में मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जो टेस्ट सीरीज कैलेंडर है वो यहाँ आपके पास है जुलाई का जल्द ही लाएंगे और अपडेट करेंगे

सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो दूसरा बिगिनर्स बैच है दैट इज एस लीगल राइट जून 15 से ये शुरू हो चुका है एंड आप बिल्कुल अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट बैच फॉर यू सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी चलिए सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नेसेसरी पॉइंटर्स जिनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट देना सो आई होप आपको एक इंसाइट मिली है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट आई होप आपकी हेल्प हुई है एंड अगर हुई है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर एट एन अकेडमी क्लैक लेट्स क्रैक इट